वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल करी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल दिख रहा है, 29 में से 29 सीटें जीत हासिल करी। जश्न का माहौल नहीं दिख रहा, जश्न का माहौल है, पूरे देश में है। तीसरी बार सरकार बन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 29 की 29 सीटें जीते हैं, इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि क्या हो सकती है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबकी नजर थी, 203 छिंदवाड़ा पे किसी की नजर नहीं थी। पिछली बार हम 37,000 से हारे थे, इस बार जीतना ही था। सर, इस बार काफी नजर तो सबकी थी, पूरी मेहनत ज्यादा देखने को मिली थी, सफलता मिल गई उसमें आप लोग को, सफलता मिलना ही था। महाराष्ट्र और यूपी में देखा थोड़ा सा कमजोर रहा आपका प्रदर्शन, क्या कारण मानते हैं सर? अभी इतनी जल्दी इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाता, जो निर्णय जनता ने दिया है उसको हम मान्य करते हैं। सर, इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, दावे करने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लग रहा है दावे करने में, दावा करने में कौन सा पैसा लग रहा है? क्या लगता है कि सर इस बार फिर मोदी सरकार बनने, मोदी सरकार ही बनेगी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने? तो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा, जिनका दावा है कि एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने पर खुशी भी जाहिर की है। भोपाल से टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।